साथियों नमस्कार, मैं आपका विधायक सोमनाथ भारती। आज मैं चूंकि हर तरफ चर्चा है लॉकडाउन की, चूंकि लॉकडाउन कुछ आसान चीज नहीं है, नेचुरल सी बात है, लोग अपने घर बैठे हैं, व्यवसाय छोड़ के बैठे हैं, मार्केट जाना नहीं हो रहा, एक तरह से कैद है। लेकिन इस कैद से कुछ फायदा हुआ है और फायदा इतना हुआ है कि आज पॉजिटिविटी रेट जो आज से 3 सप्ताह पहले 4 सप्ताह पहले 28-30% की थी, आज 2.4% पे आ गया है। इसका मतलब क्या है कि हर 100 टेस्ट में सिर्फ 2.4 लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो कि किसी वक्त आज से एक महीना पहले 28-30% था। तो जितने ज़्यादा टेस्ट उतने ज़्यादा पॉजिटिव, उतने ज़्यादा एडमिशन, उतने ज़्यादा फिर डेथ रेट। इन सब से बचने के लिए, चूंकि हिंदी में कहावत है ना, जान बचे तो लाखों पाए, तो अब जो पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 2.4% है, ये बहुत ही सुखद समाचार है। और इस सब के लिए क्रेडिट जाता है दिल्ली वासियों को, आपको, क्योंकि आपने जो व्यवहार किया पिछले एक महीने में, डर के मारे किया या आपने सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए किया, एज ए गुड सिटीजन किया, जैसे भी किया, किया आपने, ना चाहते हुए भी किया लेकिन किया आपने, और इसी कारण से आज पॉजिटिविटी रेट है 2.4%। अब ये पॉजिटिविटी रेट अगर और घटी, चूंकि जितना जल्दी घटेगा उतना जल्दी लॉकडाउन खुलेगा, इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके इस पॉजिटिविटी रेट को और कम होने दें। 2.4 है, वो 1 से भी नीचे चला जाए तो मुझे लगता है कि फिर लॉकडाउन पे सरकार कुछ पॉजिटिव फैसला लेगी कि लॉकडाउन को हटा दिया जाए जिससे जिंदगी नॉर्मल हो सके। लेकिन साथियों, कितनी भी जिंदगी नॉर्मल हो जाए, इतना नॉर्मल नहीं हो पाएगा जितना पहले था। इसलिए वैक्सीनेशन तो ले ही लें, साथ साथ में जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें कि दो गज दूरी, मास्क है जरूरी उसका पालन, और हाथ को सैनिटाइज करते रहें उसका पालन, और मास्क पहनना अच्छी वाली वो चलते रहना चाहिए। तो लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए लगा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब के सहयोग से जिस तरह से 28% से 2.4% पे आया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। दिल्ली वासियों ने वो कर दिखाया जो असंभव सा कार्य था, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने पॉजिटिविटी रेट बहुत कम कर दी, और परमात्मा करे कि अगले 1 वीक में 0 हो जाए पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में, और फिर हम लोग वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ धीरे धीरे बढ़ें। आपको पुनः बधाई इस सफलता के लिए, और मेरा विनम्र निवेदन फिर आपसे कि जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, 2 गज की दूरी है, जो मास्क पहनने की जो हमारा एक सुरक्षा कवच है, या जो हाथ सैनिटाइज करते रहना है, इसका पालन करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।